हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। और आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत एक्साइटिंग व्लॉग है। कोशिश है कि आज हमारा काम बन जाए, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं आज हम। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और भूख भी नहीं लग रही है मेरे को, तो 3 दिन से नींद भी नहीं आ रही है गाइस। तो मिलो इतने से। उड़ चुकी है गाइस, नींद उड़ गई, चैन छिन गया दिन का चैन छिना हुआ भाई। ऐसा लग रहा है प्यार में पड़ गए, प्यार में पड़ चुके हैं हम। हां गाइस, आशिक बन चुके हैं, आशिक बन चुके हैं। और किसके साथ बने आशिक वो बताएंगे आज आपको। वो तो आपको गाइस हम बताएंगे आज जल्दी, आज तो बता ही देंगे। भगवान करे आज हम आपको बता ही दे, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती है, हमने तो डन कर दी है, अब कुछ चीजें भगवान के हाथ में। हाँ, भगवान भी डन कर ही देंगे गाइस आज। तो अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं गाइस, उसी चीज के लिए जा रहे हैं। आज आपको सरप्राइज दे देंगे जो इतने दिन से कह रहे हैं, ग्रैंड सरप्राइज आज हो जाएगा। सरप्राइज में हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, एक बंदा है जो जुड़ेगा, हम उससे भी मिलवाएंगे। अभी आगे चलते हैं, व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। आज शायद लंबा व्लॉग हो जाए, आज का व्लॉग आज तो गाइस लंबा व्लॉग हो जाएगा। आज पूरा व्लॉग करेंगे हम, हर जगह करेंगे, और उससे बंदे से भी मिलवाते हैं। हमारे लिए सरप्राइज का हिस्सा है। तो गाइज हमारे साथ हमारे जो सरप्राइज में जुड़े हैं वो हमारे बहुत खास, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है हमारे अजय भाई। अजय भाई को भी इतनी एक्साइटमेंट हो रही है हमारे सरप्राइज की कि भाई ये आज हो क्या रहा है। अजय भाई भी आशिक बने हुए, 3 दिन से सो नहीं पा रहे। इनको भी दिन का चैन छीना हुआ है, इनको भी प्यार हो गया उसी चीज से जिससे हमें प्यार हुआ है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं, हम तीनों अभी शोरूम में जाके आपको अपडेट करते हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज रेडी है आप सबके लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं सरप्राइज के पास, अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट करते हैं। अभी थोड़े कुछ काम है, पेपर वर्क वो करा लेते हैं और आपको दिखाएंगे, सरप्राइज भी जल्दी दिखाएंगे। हमारे पास ही है सरप्राइज गाइस बहुत। तो गाइस गाड़ी वॉश तो हो चुकी है, अभी आपको गाड़ी वॉश दिखा देते हैं कैसी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं, बाहर आएगी लुक दिखाते हैं गाइस आपको। गाइस आ गई गाड़ी, वॉश हो गई। तो गाइस अभी जा रहे हैं बिग डैडी ऑफ ऑल यूएसवी के पास। तो गाइस आप सबका जो सरप्राइज है ओवर होने वाला है वो देखो, हमारी वेटिंग कर रही है बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी। वेटिंग इज ओवर गाइस, रेडी हो गई है। वॉशिंग पे गई हुई थी, एक्चुअली क्या है गोडाउन में थी तो थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, देखो वॉश हो चुकी है और पूरी चमक रही है ब्लैक कलर की। पूरा किलिंग लुक आ रहा है, पूरा किलिंग लुक। और भाई देख रहे हैं कि क्या इसमें क्या दिखा दे। तो गाइस गैस करो अभी हम कहाँ हैं। गाइस अभी हम बैठे अपने छोटे मिनी हाउस में, ये हमारा मिनी हाउस है। हम गाइस सरप्राइज के अंदर बैठे हैं, सरप्राइज के अंदर है और हमें समझ नहीं आ रहा अभी करें क्या। सरप्राइज इतना हो रखा है हमारे पास, बहुत ज्यादा हो रखा है। एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई है कि डॉक्टर ने बीपी चेक किया था, कह रहा भाई मशीन टूट जाएगी, मशीन सुई ऊपर जाती है ना वो फटी थी। तो गाइस जिस चीज का सबको इंतजार था वो चीज बस अब थोड़ी देर में पूरी होने वाली है। और गाइस एक्साइटमेंट लेवल खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है और अभी तो और बढ़ेगा, क्योंकि फैमिली को भी सरप्राइज देंगे। फैमिली को पता नहीं है बिल्कुल भी, फैमिली बिल्कुल भी, मतलब अंदाजा भी नहीं है कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। होने वाला है, अब देखेंगे उनके रिएक्शन, देखेंगे रिएक्शन बोलो। तो गाइस देखो छोटा भाई आ चुका है, तो एक्साइटमेंट लेवल मेरी पहली हाई हो रखी है, तो अब मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको पता नहीं है अभी। तो गाइज हमने भाई मैं तेरे को बता दूं, हमने स्कॉर्पियो परचेज कर लिया है। बताओ। तो गाइज हमने स्कॉर्पियो ले लिया और की एक्साइटमेंट लेवल भैया तसली फाट दी। ब्लैक कलर की है, भाई को दिखा दे भाई, भाई साहब दिखा दिखा दिखा। तो गाइज ये देखो इसकी एक्साइटमेंट लेवल, और ये बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा है, हमारे पास पहुंचा है और हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। मम्मी और उबल को भी पता नहीं है, उनको तैयार ले ली भाई साहब, घर का काम चक दिया भाई मेरे। तो गाइस काम होने के बाद बताया हमने, अब तक किसी को नहीं बताया था, अभी किसी को बताना ही हुआ जब तक गाड़ी हम शोरूम से निकाल ले लेते। मैं किसी को नहीं बता रहा, ठीक है टिंकू मामू को पता है बस। अच्छा तो गाइस अब हम जा रहे हैं, रास्ते में है।
गाइस ये देखो ये लोग जा रहे हैं गाड़ी के लिए, अभी दिखाते हैं हम। ये बातें करते हुए जा रहे हैं, अभी भाई ने देखी नहीं है गाड़ी, अभी देखेंगे जाके रिएक्शन लेंगे इनका। ये देखो भाई पहुंच गई गाड़ी के पास। अभी थोड़ी अंदर से साफ सफाई होगी बस। कैसी लग रही है? थोड़ी और भाई तुम खाली ऐसे ना क्या? बनाएगा ना तो यहाँ से फोटो खींचता करेंगे तब करना। आपको प्यार लग रहा है सर? थोड़ा सा पीछे तो दब जाएगा, बस हल्का सा खींच देना पीछे को। करो सर करो। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन मैम। कैसा लग रहा है सर? ये बंद कर दे। फोटो मैडम आओ जी फोटो कराइए। हाँ जी बोलो। तो गाइज हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, एट लास्ट सरप्राइज खत्म हो गया। सरप्राइज रूबलर मम्मी को काफी अच्छा मिल चुका है, 7 सीटर स्कॉर्पियो N Z4 ब्लैक, जिसकी सर्चिंग मैं काफी दिनों से कर रहा था। तो गाइज आज हम बैठ चुके हैं इसके अंदर। तो गाइज अब चल रहे हैं घर की तरफ।
तो गाइज गाड़ी में बैठे हैं, देखो मेरे साथ है ये चुन्नू, मैं नाम भी भूल गया गाइज, इतनी एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट सुबह से इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं चुन्नू का नाम भूल गया। चुन्नू है, आरुष है, और ये यहाँ पे ना कुछ सेटअप कर रहे हैं गाड़ी में, मेरे को समझा रहे हैं कि भैया अगर चलाओ ना तो ये चीजों का ध्यान रखो। तो गाइज ये रही स्कॉर्पियो ZN ब्लैक, ये देखो, ये अभी हम चेक कर रहे हैं इसके सारे फंक्शन कि हमें कोई दिक्कत ना है, और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं, इतनी ऊंचाई है इसकी कि ऐसा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो गाइस हम अभी बाहर आए थे और पेट्रोल सॉरी डीजल डलवा रहे हैं गाइस, अभी देखो डीजल डलवा रहे हैं, और वंशु पीछे है चेक कर रहा है भाई पूरा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। गाइस देखो डीजल डल रहा है इसमें, देखते हैं कितने की इसकी टंकी फुल होएगी। 23 लीटर 24 लीटर डल चुका है, 25 डल चुका है, मेरे ख्याल से तो 40 लीटर है इसकी टंकी, क्योंकि मैंने YouTube पे देखी थी वीडियो। बाकी देखते हैं, ये खड़ा वंशु गाइस शीशे में, ये देखो पेट्रोल डलवा डीजल डलवा रहा है। इसकी टंकी फुल होएगी 37 लीटर 37 38 भाई, 40 क्रॉस करने वाली है, 41 42 44 45 46 47 बस वंशु बस बोल दे। कैसे कर रहे हैं? तो गाइस कैश है ब्रो, पेटीएम। तो गाइस 4300 रुपए का पेट्रोल डाल चुका है इसमें, टोटल टंकी फुल हो चुकी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि रूबल मम्मी अभी गाड़ी में बैठाते हैं दोबारा, शाम का टाइम है और अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये लो सर। तो गाइस मम्मी भी बैठ चुकी हैं, ये देखो मम्मी बैठ चुकी हैं। गाड़ी की बहुत खुशी हुई कि हनी ने आज बड़ी गाड़ी ले ली, लेकिन बिना बताए ली है। हमें पता भी नहीं था कि गाड़ी आने वाली है हमारे घर पे, और इस गाड़ी में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के, बहुत मजा आ रहा है। रूबल भी बैठ चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, पूरी फुल जगह है, जैसे मर्जी बैठे रूबल, चाहे लेट के जाए गाड़ी में। तो गाइस अभी कुछ खाने पीने आए, देखो गाइस यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, सारा कुछ मिलता है और अभी हम यहीं खा रहे हैं। वंशु ऑर्डर करने गया हुआ है और रूबल तो पिज्जा खाएगी। गाइस तो डोसा आ चुका है, मसाला डोसा, चटनी है, मतलब खा रहे हैं, मम्मी खा रही है अभी, देखो गाइस। तो गाइस पनीर टिक्का आ चुका है, मुंह का